अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सब ने बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत और आप सब लोग को मिल के सलाम लड़ना सलाम पे कही एक जून को साइकिल जीती जाए जैसे अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वोट पड़ेगा गोरखपुर से लेकर के बलिया गाजीपुर बनारस तक। इस अंतिम चरण में गाजीपुर लोकसभा सीट पर भी मतदान होना है और इस दौरान जो राजनीतिक दल है या जो मोर्चा बना है तो अपने अपने मोर्चे के कैंडिडेट के लिए सभी साथी इस तरह के मीटिंगों के माध्यम से जनता के बीच में अपने चुनाव के मुद्दे को बता रहे हैं। आज इंडिया गठबंधन की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। हम लोग थोड़ा विलंब से आए, इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। 12 बजे तक का समय यहाँ मीटिंग के लिए निर्वाचन आयोग में व्यवस्था देखने वालों की तरफ से मिला है। हम अपनी बात उसके उस समय के अंदर ही आपके बीच में रखना चाहते हैं। बहुत कड़ी धूप है और फिर भी आपका साहस है, हम आपके आभारी हैं। इतनी बड़ी संख्या में गांव के स्तर पर की मीटिंग, अगर इस मीटिंग को किसी तहसील मुख्यालय पर या जिला मुख्यालय पर लगा दिया जाए तो बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों की अवकाश महिलाएं आई हुई हैं, नौजवान साथी खड़े हैं। हम आपका आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि आप लोगों में इस चुनाव के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए जो एक भाव है, एक विश्वास है, एक समर्थन की भावना है, वही भावना खींच के आपको लाई। मैं चुनावी मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे करके भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो जनता के बीच में कुछ वादे किए गए और आज 10 साल हो गया मोदी दिल्ली में सरकार में बैठे हैं, उनकी पार्टी और उनके नेता देश की व्यवस्था चला रहे हैं। आज फिर इस चुनाव में उन्हें अवसर मिले इसका प्रयास कर रहे हैं। अपनी तरफ से 400 से ज्यादा सीटें जीत लेने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में आज चिंता इस बात की है कि मोदी जी ने जो कहा था उस दिशा में क्या कुछ किया 10 साल में, वही सवाल हम आज आपके बीच में रखना चाहते हैं। आप सबको याद होगा कि 2014 में कहा गया था कि महंगाई बहुत ज्यादा है इस देश में और महंगाई की मार से देश की जनता हलाकान हो चुकी है। अगर सरकार बदल दी जाएगी और मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो देश में महंगाई कंट्रोल कर ली जाएगी। आप सबको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी नेता हैं स्मृति ईरानी, जो आज भी केंद्र में मंत्री हैं। दिल्ली में सड़कों पर उन्होंने गैस के सिलेंडर को लेकर के धरना शुरू किया और उन्होंने कहा कि देखिए देश में 400 रुपए का सिलेंडर मनमोहन सिंह की सरकार बेचवा रही है।